विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा श्रमदान और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव शत्रुघ्न वैश्य ने विश्वविद्यालय परिसर पर पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंडिडेटों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की साफ सफाई की गई। इस मौके पर NSS के कार्यक्रम संवेयन डॉक्टर शरद मिश्रा, डॉक्टर उषा सिंह सहित विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुल सचिव शत्रुघ्न वैश्य ने कहा, कुछ भी जाने के लिए आ गया तो बहुत अच्छा लगा। क्या साफ कर रहे हैं ना, साफ लग जाएगा इतना ये डांस सर जी। हटिए हाँ, दो लक्ष्मी थोड़ा कम उठाओ। नहीं बहुत लंबा नहीं हुआ भाई, नीचे डालने पर इसको बहुत ज्यादा नीचे थोड़ा सा सब पीछे थोड़ा सा पीछे हाथ आप अपना हाथ हटाओ ना। अरे थोड़ा सीधे हटाइए, आगे से थोड़ा बढ़िया बढ़िया ना, बैठ जाइए आप भी सर, सर अभी बैठ जाइए, ठीक सर। और लगा देना। आज दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में खासतौर से NSS और गुरुकुल एकेडमी जो IS की है उनके संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया जा रहा है। अभी शुरुआत की गई है, अभी और कई जगहों पर वृक्ष लगाए जाएंगे, विज्ञान में भी लगाया जा रहा है, कुछ अन्य विभागों में भी लगाया जा रहा है और ख़ासतौर से NSS और गुरुकुल जो IS एकेडमी है और उनके हमारे सुनील तिवारी जी हैं उनके माध्यम से भी कई वृक्ष यूनिवर्सिटी में लगाए जा रहे हैं। पूर्व में भी बहुत सारे यहाँ वृक्षारोपण कराए, आगे भी करवाएंगे। सर पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले तो वृक्ष तो लगाना ही है, वृक्ष लगाने के साथ वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसको वृक्ष को लगाने के पश्चात वो जीवित रह सके इसके लिए प्रयास करना कि हम जो वृक्ष लगा रहे हैं वो बड़ा हो सके, उसके लिए जो भी खाद पानी उसे दिया जाना है समय पर दिया जा सके और ख़ासतौर से वाटर हार्वेस्टिंग उसका भी जो पर्यावरण के लिए है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।